नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि उनका भारत में उनके इस दौरे को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि गौरतलब है जिस आर्थिक संकट से मिस्र अभी जूझ रहा है, ऐसे में मिस्र को भारत का साथ मिल पा रहा है, वो भी तब जब सभी इस्लामिक देशों ने मिस्र के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि देर रात पहुंचे सीसी का कल भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस दौरान मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें, वहीं आज सीसी और पीएम मोदी की कृषि, डिजिटल, डोमेन और संस्कृति और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर व्यापक बातचीत हुई। वहीं पीएम मोदी ने कहा, मिस्र के साथ हमारे बंधन को गहरा करना प्राकृतिक पुल जो एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है। यह पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देखा जाएगा। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी। भारत मिस्र के साथ संबंधों को और विस्तार करने को लेकर इच्छुक है, जो अरब दुनिया के साथ साथ अफ्रीकी दोनों राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी है। इसे अफ्रीकी और यूरोप के बाजारों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है। आपको बता दें, मिस्र पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब खाड़ी देशों में मिस्र अपनी धाक रखता था, लेकिन संकट के समय सभी मुस्लिम देशों ने उससे मुंह फेर लिया। ऐसे में भारत मदद के लिए आगे आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र पर बाहरी कर्ज बढ़कर करीब 170 अरब डॉलर होने का अनुमान है। वहीं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत आदि देशों ने मिस्र की मदद से हाथ पीछे खींच लिए हैं। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि यहां पर बुलाना कोई साधारण कूटनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि भविष्य की तमाम चुनौतियों से निपटने की भारत की एक गजब पहल है। मिस्र की आबादी लगभग 11 करोड़ है। यह देश अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। मिस्र के पास इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी सेना है। मिस्र की राजधानी काहिरा अरब लीग के सदस्य देशों की मेजबानी करती आई है। विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि ग्लोबल इश्यूज में मिस्र की मौजूदगी उसकी कूटनीतिक हैसियत से भी अधिक है। भारत की आजादी के बाद लंबे समय तक मिस्र के साथ हमारे बेहतर रिश्ते रही हैं। इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC में एकमात्र इजिप्ट ही ऐसा देश है जो आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ बात करता है। ऐसे में इस्लामी देश मिस्र के भारत के साथ अच्छे संबंध जाहिर तौर पर भारत के लिए हितैषी साबित होंगे। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।